तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत स्वदेशी तौर पर अपने सुखोई लड़ाकू विमानों को सुपर सुखोई में कन्वर्जन कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, अब ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि भारत की तरफ से ये जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है, इसमें कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल से भी ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट सुपर सुखोई बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुपर सुखोई का बड़ा आकार और काफी दूर से ट्रैक हो जाने वाला रडार क्रॉस सेक्शन इसे राफेल से बेहतर बनने देगा। Su-30MKI किस तरह से भारत का यहां पर फायदा करवा रहा है और Su-30MKI किस तरह से भारत को एक बेहतरीन फाइटर जेट के रूप में मिलने वाला है, ये आपको वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, असल में अगर देखा जाए तो हमारी वायुसेना के पास सबसे ज्यादा फाइटर जेट अभी Su-30MKI मौजूद है और भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये करीब 250 की संख्या में है और ये ऑल वेदर हैवी वेट सुपर कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट मौजूदा स्थिति में सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट माने जाते हैं। हालांकि ये काफी महंगे फाइटर जेट हैं और अब इंडियन एयरफोर्स ये कोशिश कर रही है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर Su-30MKI जेट्स को राफेल से भी ज्यादा एडवांस और पावरफुल बना सके। अगर दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो Su-30MKI राफेल से पहले ही आगे है। Su-30MKI के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी राफेल के मुकाबले लगभग दोगुनी है और इंजन की अगर बात की जाए तो Su-30MKI के अंदर L-30 बन इंजन लगाया गया है जिसमें हर एक इंजन 130 किलोन्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। यानी कि इसके दो इंजनों की जो थ्रस्ट है वो करीब 240 किलोन्यूटन के आसपास है, जबकि राफेल के M88 इंजन की जो थ्रस्ट है वो करीब 150 किलोन्यूटन की है। और अगर स्पीड की यहाँ पर बात की जाए तो Su-30MKI की स्पीड राफेल से ज्यादा है और ये Mach-2 की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी जो टोटल स्पीड है वो 2465 किलोमीटर के आसपास है। वहीं राफेल की अगर स्पीड की बात की जाए तो इसकी जो स्पीड है वो 1.8 मैक तक की है, यानी कि ये लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ान भर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि राफेल को यहाँ पर जो चीज खास बनाती है वो इसके एवियोनिक्स हैं और इनमें लगा हुआ रडार बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और साथ ही लॉन्ग रेंज का IRST सिस्टम और खास तौर पर देखा जाए तो इसका स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम। Su-30MKI की अगर बात की जाए तो N-011 पैसा रडार इसके अंदर लगा हुआ है जिसकी रेंज भले ही 350 किलोमीटर तक है, लेकिन ये फाइटर जेट साइज के टारगेट को 200 किलोमीटर तक ही ट्रैक कर पाता है। हालांकि ये एक साथ 16 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट को एक साथ एंगेज कर सकता है। और बात अगर यहाँ पर राफेल की जाए तो राफेल बहुत ही एडवांस स्टेबल और कैपेबल ऐसे रडार के साथ आता है जो फाइटर जेट साइज के टारगेट को 200 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है और एक ही साथ 400 टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है और उनमें से 8 टारगेट को ये एक साथ में एंगेज भी कर सकता है। अब AESA रडार के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी खास बात यही होती है कि ये सबसे ज्यादा सुपीरियर है, इसकी ट्रैकिंग रेंज ज्यादा होती है और ये हाई रेजोल्यूशन इमेज को तैयार कर पाता है जिससे कि दुश्मन के फाइटर जेट को टारगेट कर पाना काफी आसान हो जाता है। इन्हें जैम करना बहुत ही मुश्किल होता है और ज्यादा अच्छी इमेजनरी की वजह से ये ग्राउंड अटैक के लिए बहुत ही परफेक्ट रडार माना जाता है। अब दोस्तों आप समझिए कि यहाँ पर ऐसा रडार को भी Su-30MKI फाइटर जेट के अंदर जोड़ा जा रहा है, बल्कि इस फाइटर जेट का इंजन ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसकी रडार को पावर ज्यादा मिलेगी और इसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको बता दें कि Su-30MKI का नोज कॉन काफी ज्यादा बड़ा है, इसी कारण इनमें बड़े आकार का AESA रडार फिट किया जा सकता है। राफेल में जो AESA रडार लगा हुआ है वो 838 TR मॉड्यूल्स के साथ आता है, जब Su-30MKI के अंदर जो उत्तम ऐसा रडार लगाया जाएगा, यानी कि इसके अंदर बिरुफाच रडार लगाया जाएगा, उसमें लगभग 2000 TR मॉड्यूल्स लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि AESA रडार के लगने के बाद में Su-30MKI फाइटर जेट जैसे टारगेट को 300 किलोमीटर दूर से टारगेट कर पाएंगे। हालांकि मौजूदा समय का जो राफेल है वो Su-30MKI से काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी एक बड़ी वजह है कि इसके अंदर BBR मिसाइल लगी हुई है जो कि 200 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आती है
और आपको बताते हैं कि भारत की तरफ से एक कोशिश की गई थी कि MBDA कंपनी की तरफ से मेटेओर मिसाइल को अपने तेजस और Su-30 MKI के लिए खरीदा जाए, लेकिन इनमें इसराइल के अंदर बना हुआ रडार लगे होने की वजह से MBDA कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब सोचिए कि जब इसके अंदर जो रडार है वो भारत का स्वत निर्मित रडार लगाया गया है, तब यहां पर MBDA कंपनी की तरफ से भारत को ये मिसाइल दे दी जाएगी, यानी कि उत्तम AESA रडार, जिसे वीरूपाच रडार भी कहा जा रहा है, इसके लगने के बाद में Su-30 MKI में सबसे एडवांस माने जाने वाली BBR मिसाइल यानी कि मेटेओर मिसाइल को लगाने का रास्ता भी साफ हो जाता है। ऐसे में दोस्तों आप सच मानिए कि Su-30 MKI राफेल फाइटर जेट से काफी आगे निकल जाएगा। और सबसे जो मेन बात है वो है इसके इंजन की, जहां पर ये दो इंजन के साथ 244 किलोन्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ही ज्यादा घातक माना जाता है। हालांकि आपको बता दें कि आगे चलकर हमारे Su-30 MKI के अंदर अस्त्रा मिसाइलों को लगाया जाएगा, जिसकी की रेंज 160 किलोमीटर तक होती है। ऐसे में अगर मिसाइल के पैकेज की बात की जाए तो जल्द ही Su-30 MKI के अंदर उन मिसाइलों को लगाया जाएगा, जिनकी वजह से Su-30 MKI राफेल से काफी आगे चला जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि Su-30 MKI को अपग्रेड करने के चलते यहाँ पर AI इंजन को अपग्रेड किया जाएगा, इसके साथ ही इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा रहा है। और Su-30 MKI में जो नए एवियोनिक्स AESA रडार और जैमर्स को लगाया जा रहा है, उन्हें कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी, जिसकी वजह से इनकी जो कैपेबिलिटी है और साथ ही इनकी जो रेंज है वो राफेल के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और नए AESA रडार के साथ सुपर सुखोई मिनी अवॉक्स का भी काम कर पाएगा, जो काफी लॉन्ग रेंज से दुश्मन के फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर पाता है और उनकी इंफॉर्मेशन ग्राउंड में लगे हुए हमारे स्टेशन को प्रोवाइड करा सकता है। ऐसे में दोस्तों Su-30 MKI के मिसाइल पैकेज को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर आने वाले समय में रुद्रम मिसाइल को भी लगाया जाएगा, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक की है, और साथ ही इसके अंदर ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइलों को भी लगाया जाएगा, जिसकी पहले रेंज 290 किलोमीटर तक की थी, लेकिन अब इसकी रेंज को 450 किलोमीटर तक बढ़ा लिया गया है। ऐसे में दोस्तों Su-30 MKI के अंदर फ्रेंच और इसराइल के जैमर्स लगे हुए थे, लेकिन अब भारत इनको और भी ज्यादा अपग्रेड करते हुए भारतीय जैमर्स को इसके अंदर लगाएगा। और सच मानिए कि इनके जैमर्स पहले भी अच्छे थे, लेकिन अब और भी ज्यादा एडवांस और पावरफुल जैमर्स इसके अंदर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि इनकी जो सेल्फ प्रोटेक्शन की कैपेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। इनके अंदर नया मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसके अंदर डाटा फ्यूजन की कैपेबिलिटी भी रहेगी, साथ ही कम रेंज वाले IRSE सिस्टम को हटाकर स्वदेशी तौर पर तैयार किए गए 80 से 100 किलोमीटर वाला IRSE सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे कि ये स्टेल जेट को भी 100 किलोमीटर पहले से ही ट्रैक कर पाएगा। ऐसे में Su-30 MKI के अंदर डिजिटल व मॉडर्न कॉकपिट को लगाया गया है, इसके साथ ही एडवांस हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले की कैपेबिलिटी भी इसके अंदर लगाई जा रही है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो Su-30 MKI के ऊपर इनडायरेक्टली ज्यादा ध्यान देने के जो फायदे हैं वो भारत को अब मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत आने वाले 40 सालों तक इस फाइटर जेट को एडवांसली यूज कर पाएगा, क्योंकि भारत इनको एडवांस तरीके से अपग्रेड कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार आपका यहाँ पर क्या व्यू है, क्या भारत को सुपर सुखोई बनाने में अपग्रेड करने में इतना ज्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है उसको करना चाहिए, या फिर भारत को राफेल जैसे फाइटर जेट्स को और भी बड़ी संख्या में अपनी वायुसेना के अंदर शामिल करना चाहिए, आप हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।